वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है शिवरात्रि और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग जो हैं डोईवाला से निकल गए हैं, क्योंकि हम लोग डोईवाला आए हुए थे वेकेशन के लिए, क्योंकि 3-4 दिन की बच्चे की जो थी ऑफ था स्कूल। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं देहरादून और शाम के 5 बज चुके हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डोईवाला से जाते हुए ना, हमारे यहाँ पर एक जगह पड़ती है लच्छीवाला, और वहाँ पर बहुत पुराना शिव जी जी का मंदिर है। और वहाँ हर साल जब से हम लोग छोटे छोटे भी थे तो हम लोगों ने भी देखा है वहाँ मेला। सो वहाँ लगता है बहुत बड़ा शिवरात्रि का मेला। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ से जाते हुए मेला दिखा के लेके जाएंगे एमी को, और हमारे साथ है एमी, मगर नोनो नहीं है, क्योंकि नोनो की अब जो है वेकेशंस हो गई हैं, उसके एग्जाम्स जो है खत्म हो गए हैं। तो उसने बोला कि उसको दादी दादा के साथ में रहना है डोईवाला, सो हम उसको छोड़ करके आ गए हैं डोईवाला। तो वो यहीं रहेगी अभी 3-4 दिन, तो हम लोग फ्राइडे में वापस आ जाएंगे डोईवाला। तो हम लोग फिर उसके बाद संडे को उसको लेते हुए चले जाएंगे। तो अभी वो अपनी वेकेशन जो है वो इंजॉय करेगी अपने दादी दादा के साथ में। सो फ्रेंड्स, हम लोग एमी को लेकर के जा रहे हैं देहरादून वापस, क्योंकि एमी जी के हैं कल से एग्जाम्स। तो इसको हम लोग जो है यहाँ से जाते हुए मेला दिखाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा मेला लगता है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मेले में घूमना। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग देहरादून तो जा ही रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इसको भी इंजॉयमेंट हो जाएगा। सो कहाँ जा रहे हो अमी? मेला। क्योंकि बच्चों को तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शौक होता है स्विंग्स का, मेले का। तो मैंने आशु को बोला कि चलो इसको जाते हुए थोड़ा सा मेला घुमा देते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं शिवरात्रि का मेला। सो चलिए। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग थोड़ी देर के लिए डोईवाला में किराने की शॉप है यहाँ पर, तो वहां से आशु जो है चाय की पत्ती ले रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमें याद आया कि यार चाय की पत्ती जो है वो खत्म हो गई है। सो आशु जो है चाय की पत्ती लेने चले गए, क्योंकि फ्रेंड्स फिर हम लोग देहरादून जाके एकदम से भूल जाते हैं, स्किप कर जाता है माइंड से। तो मैंने इनको बोला कि कोई बात नहीं, चलो यहीं से लेते हुए चलते हैं चाय की पत्ती। तो अभी हम लोग यहाँ खड़े होके वेट कर रहे हैं, आशु गए हैं चाय की पत्ती लेने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि नोनो को मैं छोड़ के आई हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बच्चों को इस तरीके से, मतलब वैसे तो खैर मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने दादी दादा के पास ही है, मगर एक इनसिक्योरिटी सी मिलती है ना, बहुत ज़्यादा फील होती है इनसिक्योरिटी सी, क्योंकि मैं कभी बच्चों को ना ऐसे अकेला नहीं छोड़ती हूँ। तो मुझे यही लगता है, वैसे वो लोग उसकी बहुत केयर करते हैं क्योंकि उन्हीं का बच्चा है वो, मगर फिर भी थोड़ा सा माँ को लगता है ना कि यार मेरा बच्चा कहीं बाहर ना घूम रहा हो या कुछ, क्योंकि आजकल का जो माहौल है ना फ्रेंड्स, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा हम लोग ना इनसिक्योर फील करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा गहराई तक हम लोग बच्चों के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो हमारी सोच ऐसी नहीं है फ्रेंड्स। आजकल का जो माहौल है ना, जो आजकल सब कुछ हो रहा है, हम लोग न्यूज़ में रोज़ रोज़ देखते हैं, और बच्चों के साथ में इतना क्राइम जो है वो बढ़ गया है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए ना मुझे बहुत डर लगता है, और मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर पोजेसिव हूँ अपने बच्चों के लिए। तो आशु भी कई बार मुझे बोल देते हैं, निम्पी तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, मगर होता है यार कि माहौल देखते हुए, आजकल का टाइम देखते हुए ना, थोड़ा सा इनसिक्योर सी मेंटेलिटी हो गई है हम लोगों की ना, मेरी नहीं हर माँ की हो गई है आजकल। तो ये है बस, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, दोनों को हम लोग छोड़ के आए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं मेला देखने के लिए, और गाड़ी जस्ट हमने मेले से थोड़ी दूरी पे ही पार्क कर दी, क्योंकि आगे जो है बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत जाम है। हाँ,
पहुंच गए हैं मेले में, और मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर हम लोग एक दो साल के बाद ही आए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ आना काफ़ी अच्छा लगता है और ये जो मेला है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, मगर भीड़ बहुत थी इसलिए हम लोग एमी को ज़्यादा स्विंग्स वगैरह नहीं झूला पाए। सो यहाँ पर जो है बहुत सारे तरीके तरीके के स्विंग्स लगे हुए थे, खाने पीने के स्टॉल्स थे और बाकी बहुत सारे टॉयज़ वगैरह की शॉप्स भी थी। तो हम लोगों ने जो है नीति और एमी के लिए कुछ टॉयज़ ले लिए थे, मगर एमी जो है थोड़ा सा हमसे नाराज़ हो रहा था क्योंकि वो स्विंग्स पे नहीं झूल पाया। और फ्रेंड्स, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी और स्विंग्स बिल्कुल भी खाली नहीं थे, तो हम लोग एमी को बिल्कुल नहीं झूला पाए और इसलिए वो मुझसे और आशु से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा था। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रुके हुए हैं यही मेले में और एमी और आशु दोनों खा रहे हैं चाउमीन। मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरा व्रत है और मैं तो देहरादून जाने के बाद ही अपना व्रत खोलूंगी। सो देखिए, यहाँ बैठा है एमी और खा रहा है चाउमीन और इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, और ये सब आवाज़ आप सुन सकते हो। तो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हम लोग एमी को लेके आए थे कि हम लोग इसको झूले वगैरह थोड़ा सा स्विंग्स वगैरह पे ये इंजॉय कर लेगा, मगर फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि एमी को हम वापस लेके जा रहे हैं। देखते हैं अगर कोई स्विंग खाली होगा तो वो झूल लेगा, नहीं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो ये देखें, यहाँ इंजॉय कर रहा है एमी चाउमीन। कैसी है? फ्रेंड्स, हम लोग मेले से बहुत जल्दी जल्दी वापस आ गए क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई और आप पीछे भी देख सकते हो, कार के मिरर में आप अच्छे से देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा बारिश है। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी इसलिए हम एमी को स्विंग्स वगैरह नहीं झुला पाए। तो अब हम लोग सीधा जा रहे हैं देहरादून। सो चलिए, आप लोगों से वहीं जा कर के बात करते हैं। और वैसे मेला बहुत अच्छा था मगर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और साथ ही साथ फ्रेंड्स बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो इसलिए हम लोग एमी को थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाए। जस्ट उसके लिए थोड़े बहुत हमने टॉयज़ लिए, नोनू के लिए टॉयज़ लिए। सो मैं आपको जाकर के दिखाती हूँ कि हमने मेले से छोटे पुटर जो शॉपिंग की है वो क्या की है। सो चलिए, और अभी आप देख सकते हो, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और हम लोग जो है 6 बजे करीब आ गए थे देहरादून। सो यहाँ आने के बाद में फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ बारिश लगी हुई थी, काफी ज्यादा काम था, तो जस्ट अभी मैं लेके बैठी हूँ अपना खाना। सो आज व्रत था तो आज मैंने बनाई है कुट्टू के आटे की पकौड़ी, साथ में मैंने आलू, सूखे आलू बनाए हैं। सो अभी हम लोग, मैं और आशु और एमी, हम तीनों कर रहे हैं डिनर। सो अभी मैं डिनर कर लूँ फिर उसके बाद करती हूँ आप लोगों से मैं बात। गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं 2:00 PM और हमारा जो है लंच वगैरह सब हो गया था और अब मैं जा रही हूँ बाहर और बाहर से उतार के लाऊंगी कपड़े, क्योंकि हम लोग डोईवाला जाने से पहले जो है कपड़े मैंने वॉश करके स्टैंड पे लगा दिए थे सूखने के लिए, और कुछ देर तो मैंने स्टैंड बाहर रख दिया था, फिर कपड़े पूरे अच्छे से सूखे नहीं थे उस दिन, तो मैं स्टैंड को अंदर करके चली गई थी। तो आज मॉर्निंग में जैसे ही धूप आई तो मैंने स्टैंड बाहर निकाला तो मेरे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं जा रही हूँ बाहर और कपड़ों को लेके आऊँगी, उनको तय लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, कल का दिन जो है काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हम लोग डोईवाला में थे, तो इस बार की शिवरात्रि जो थी बहुत ही ज़्यादा औसम रही, बहुत मज़ा आया हमें। कल हम डोईवाला में जो है खेड़े मंदिर पर भी गए दर्शन के लिए, वहाँ हमने पूजा वगैरह की, और फिर जैसे हम लोग देहरादून वापस आ रहे थे शाम में, फिर उसके बाद हम लोग चले गए मेले में मेला देखने के लिए। ऐसे ही मन में आ गया हमारे, मैंने आशु को बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो है एमी को चलते हैं, उसको घुमा के लाते हैं मेले में, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी जगह जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और नोनो एमी को तो जहाँ स्विंग्स हो उनकी तो वो फेवरेट जगह हो जाती है, वो इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मगर खैर, कल वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एमी इंजॉय नहीं कर पाया वहाँ स्विंग्स को, मगर उसने टॉयज़ ले लिए तो उसके लिए फुल इंजॉयमेंट हो गया।
तो ओवरऑल जो है काफी बढ़िया रहा कल का दिन। सो चलिए अभी चलते हैं बाहर और उतार कर लाते हैं कपड़े। और आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कल मेले से क्या क्या लेके आए और बहुत मजा आया सीरियसली वहां पर। सो ये देखिए, ये लिया है एमी ने वीडियो गेम, और ये वीडियो गेम देख के कईयों को याद आ गया होगा क्योंकि हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो ये वाला वीडियो गेम मेरे और मेरे भैया के पास में भी था। तो एमी ने वीडियो गेम लिया है और नोनो के लिए मैं लेके आई हूँ ये डॉल का सेट, क्योंकि एज यू ऑल नो कि उसको डॉल्स का बहुत ज्यादा शौक है, वो बहुत क्रेजी है डॉल्स के लिए। तो उसको हम कितने भी टॉय दिखा दें उसको हमेशा डॉल ही लेनी होती है। तो मैंने कल उसके लिए ये डॉल ली है, और इसमें ये देखिए इस तरीके से नेकलेस, इयर रिंग्स, और ये जो है ये स्टिक दी हुई है। तो क्यूट सी डॉल थी तो मैंने ये ली। और साथ ही फ्रेंड्स मेले में तो गए थे तो कुछ यादगार तो होनी चाहिए ना मेले की, तो हम लोग जो है मेले से लेके आए हैं ये। सो ये ना पता है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये जो है ये टू डॉगीज हैं, ये टू टू डॉगीज का पेयर है, और ये जस्ट हमने मेले से लिया है। 150 रुपीज का ये पेयर है। तो आप मुझे बताइए कि 150 रुपीज में क्या आता है यार आजकल। तो मुझे बहुत क्यूट लगा ये, और मैंने आशु को बोला कि चलो ये तो लेके ही चलते हैं, कुछ तो यादगार होनी चाहिए कि हम लोग मेला घूमने गए थे। सो मैं लेके आई हूँ ये। तो ज़्यादा कुछ हम लोगों ने शॉपिंग नहीं किया, जस्ट बच्चों को टॉयज दिलाए, और एमी जी को तो झूले झूलने थे मगर क्या करें बारिश शुरू हो गई। सो ये सब किया हम लोगों ने कल। सो फ्रेंड्स आज का जो मेरा वीडियो है यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने कल शिवरात्रि के दिन क्या क्या किया है। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।